अगली खबर हरदोई से है। सांडी मुख्यमंत्री द्वारा रामगंगा नदी पर पुल की स्वीकृति के बाद पहली बार क्षेत्र में आए विधायक का कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। हरपालपुर इलाके के बड़ा गांव अर्जुनपुर के बीच रामगंगा नदी पर पुल को लेकर चार दशक से पक्के पुल की मांग चल रही थी। इसको लेकर कई बार आंदोलन भी किए गए। दो दिन पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा पुल की स्वीकृति होने के बाद पहली बार लखनऊ से क्षेत्र में पहुंचे सवाजपुर विधानसभा के विधायक मानवेंद्र प्रताप रानू का इलाके में कई जगह जोरदार स्वागत किया गया। सांडी के चौधरियापुर के पास आर के कोल्ड स्टोर में भाजपा नेता राजेश पाठक और ब्लॉक प्रमुख अनिल राजपूत के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और ग्रामीणों ने फूलमाला पहनाकर विधायक का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि रजनीश त्रिपाठी, प्रधान अरुण तिवारी, प्रधान संघ के अध्यक्ष आलोक सिंह, आशीष सिंह, रामजी प्रत्यक्ष गुप्ता, अमन गुप्ता सहित बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे। जी, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने सभी भाइयों का, साथियों को जो अभिनंदन कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा अभिनंदन तो ये उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी का है, माननीय मुख्यमंत्री जी का है जिन्होंने पुल स्वीकृत किया, साथ ही साथ हमारे क्षेत्र के उन कार्यकर्ताओं का जिन्होंने मुझे से यहाँ से विधायक बनाया, और उन साथियों का जो लगातार इस क्षेत्र में लगे रहते हैं, जनसेवा करते हैं और हमारी पार्टी की ताकत बनते हैं। जिस प्रकार ये पुल अर्जुनपुर का 70 सालों से उसकी मांग चली आ रही थी, अब 40 साल से लोग इस पर संघर्ष कर रहे थे। कई बार इसकी घोषणाएं हुई, मंत्रियों मुख्यमंत्रियों ने इसकी घोषणाएं की, लेकिन कभी पूरा नहीं किया गया। क्षेत्र के लोगों का साथ सदैव धोखा दिया, लेकिन इस बार माननीय मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी इसकी घोषणा करके गए थे और उन्होंने अपने कार्यकाल में इसको पूरा किया। अभी परसों ही माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए पैसा जारी किया। इसके लिए मैं पूरे समाजपुर विधानसभा के क्षेत्र के साथियों के साथ, अपने सभी नेताओं के साथ उनका वंदन अभिनंदन करता हूँ और बहुत जल्दी इस पुल के शिलान्यास का कार्यक्रम भी लूँगा। कोई माननीय मुख्यमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम लेकर के आऊँगा, इसका शिलान्यास कराऊँगा और बहुत जल्दी ये पुल बन करके तैयार होगा। जो सबसे तेज बनाने वाली यूनिट है क्षेत्र निगम की, उसको ये पुल बनाने के लिए दिया जा रहा है। हमारी बात हुई डिप्टी सी एम साहब से, उन्होंने कहा जो ऐसी यूनिट है जो विदेशों तक में पुल बनाती है और समय सीमा के अंदर पुल बना देती है, तो ऐसी तीव्र गति से काम करने वाली क्षेत्र निगम की जो यूनिट है उसको इसका निर्माण सौंपा जाएगा और बहुत जल्दी ये पुल बनाकर के जनता की सेवाओं में समर्पित होगा।